सबका शुक्रिया कि आपने हमारा इंतजाम किया और मौका दिया कि आपके करियर में हम एक स्टेप जो भी हम कोशिश कर सकते हैं आपके करियर को आगे ले जाने के लिए उसमें हमने अपना किरदार अदा किया और कर रहे हैं और करते रहेंगे। यहाँ से जाने के बाद भी आप लोग जो है आ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, जॉब पे लगो नहीं फंसते हैं, कोई बड़ा टास्क मिल गया कि सर कैसे करना है यहाँ पे आ जाए, ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स को ठीक है। अच्छा सिर्फ ये जो एक कोर्स है हमारा CIT ये तो एक स्टेप है और सफर लंबा है, बहुत लंबा सफर है क्योंकि स्टार्ट है ठीक है। CIT के बाद डिजिटल मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग, मोबाइल ऐप, गेम डेवलपमेंट, कई सारी चीज़ें ठीक है। तो आपने आगे जाके आप सब उसी फील्ड में जाओगे, जरूरी नहीं कि हर बंदा इंटीग्रेट कर जाए, कैरियर बड़ा है जिसको जो पसंद है जो समझ में आएगा उस फील्ड में जाएगा ठीक है। अच्छा उसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ समझानी थी बेटा कि लाइफ में ना अपने गोल्स को इम्पोर्टेंट कैसे बनाते हैं। गोल को इम्पोर्टेंट बनाने से पहले ये समझना जरूरी है कि गोल होता क्या है ठीक है। ऐसा तो नहीं, मिसाल के तौर पे आपका एक दोस्त है, उसने कोई कोर्स किया, कोई एजुकेशन हासिल की या कुछ परचेज कर लेता है तो हम देखा देखिए वही काम करना शुरू करते हैं ठीक है। ऐसा लाइफ में नहीं करना, किसी को फॉलो नहीं करना, जो हम लोग सब यूनिक हो, हम सब यूनिक है अलग अलग यूनिक है। अपना एक गोल डिफाइन करो और उस गोल की अचीवमेंट के लिए कोशिश करना शुरू ठीक है। बात समझ आ रही, ऑलरेडी आप लोगों ने कुछ गोल्स डिफाइन कर लिए होंगे, आप लोग बहुत अच्छे हो, लेकिन यहाँ पे कुछ सीनियर स्टूडेंट्स भी हैं तो मुझे उम्मीद है कि आगे क्या करना है। मिसाल के तौर पर कोई चाहता होगा कि मैं आगे जाके अकाउंटेंट बनूँ, इंजीनियर बनूँ ठीक है, या बहुत बड़ा ऑनलाइन सेलर बनूँ, ई कॉमर्स की वेबसाइट रन करूँ या अपना बिजनेस ओपन करूँ ठीक है ना। हर चीज़ में एक गोल है ठीक है, तो अपना गोल सेट करो ठीक है। गोल को सबने सेट कर दिया, क्रिकेट खेलना है तो वैसे तो हर साल लेवल क्रिकेट खेलना है ठीक है ना, ये सारी। अच्छा गोल को सेट जब हम कर लेते हैं तो एक और मसला आता है, मसला ये आता है कि उस गोल के लिए हम करते क्या हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ये सेट किया था गोल के मुझे IT कंपनी फॉर्म कर दी ठीक है, उसी प्रोसेस में भी हमें इंशाल्लाह आगे जाके एक बहुत बड़ी कंपनी की होगी और आप सब उसका पार्ट हो सकते हैं। अगर अच्छा रिजल्ट रहा आगे जाके चीज़ें हम कर लेते हो तो इंशाल्लाह हमारी टीम का पार्ट होगी। मैं समझाने यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि गोल की इम्पोर्टेंस ठीक है। मिसाल के तौर पर हम एक गोल डिफाइन करते हैं और उसकी अचीवमेंट के लिए कि मुझे ये कोर्स करना है, इस कोर्स को कम्प्लीट करना है, या रात में बैठ के मैं एक घंटे की ट्यूटोरियल देखूंगा, कल बना के ले जाऊंगा टीचर के पास ठीक है। ऐसा सिर्फ आप सोचते हैं लेकिन जब करने बैठते हैं फेसबुक ओपन करते हैं पता चलता है कोई दूसरी वीडियो आई है, कोई नई फिल्म रिलीज हो गई, आप सब जो है पेशन देख रहे हैं आजकल, तो टाइम ज़ाया हो ठीक है। गोल तो हमारा है सेट कर लिया लेकिन हम क्या कर रहे हैं, गोल को इम्पोर्टेंस नहीं देते, टाइम ज़ाया कर रहे हैं। खुद खुद की आदत है यार, फेसबुक या यूट्यूब खोलो ना तो क्लिक करते करते डेढ़ घंटा दो घंटा गुजर गया, समझ नहीं आता क्या ठीक है, बाद में अफसोस होता है यार कल से करें दूसरे दिन फिर वही होती है ठीक है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं तो उसके लिए छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ कि अपने गोल को आपने इम्पोर्टेंस देना है। कैसे इम्पोर्टेंस देना है, वो इस तरह देना है, एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा। सिनेमा वैसे यहाँ पे कम लोग जाते हैं लेकिन अगर एक अच्छी फिल्म लगी है और आप सब ने जाने से ठीक है, मैं कहता हूँ कि चले साथ चले हम फिल्म देख के आते हैं, तो आप में से 50% आबादी जाएगी जिसका गोल है, बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्टेड है और हड़ताल हो गया या कोई भी ऐसा मसला है घर पे काम है तो उनमें से कोई भी नहीं जाएगा क्योंकि वो काम इम्पोर्टेंट है या रास्ते का सफर लंबा है, कोई भी ऐसी चीज़ ठीक है। ये एक एग्जाम्पल। दूसरी एग्जाम्पल मैं ये देता हूँ कि किसी के भाई का एक्सीडेंट हो गया ठीक है और उस दिन हड़ताल, गाड़ियाँ भी नहीं चल रही, घर पे इवेंट भी है लेकिन जाना जरूरी है क्योंकि भाई हॉस्पिटल सब जाएगा ठीक है, जाना जरूरी है चाहे कुछ भी हो, हड़ताल हो, गाड़ियाँ बंद हो, घर पे इवेंट हो, जाना जरूरी है। क्यों, वजह भाई इम्पोर्टेंट है ना ठीक है। इसी तरह हम सारे अपनी लाइफ से खेल रहे हैं, अपने टाइम के साथ अगर हम टाइम को जाया कर रहे हैं तो हम अपने साथ अपने गोल के साथ खेल ठीक है, हमको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे जो भाई को दे ठीक है। तो करना क्या है कि आपने अपने आप को अपने गोल को इम्पोर्टेंस देना, कैसे दोगे, सोचना ये कि अगर ये मैं कर लूंगा तो इसका आउटकम क्या होगा,
आउटकम क्या हो सकता है, तुमने टास्क अचीव टास्क गोल सेट किया है उसका आउटकम अगर आ गया तो तुम लोग तुम्हारे पेरेंट्स प्राउड करेंगे, तुम्हारे तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ ही मिलकर तस्वीरें बनाते हैं। बात समझ आ रही है, दुनिया घूमो गए पाकिस्तान सिर्फ नहीं दुनिया घूमोगे, ठीक है। और कोई मुश्किल नहीं है कि आप पाकिस्तान से निकलना बहुत आसान है, ठीक है, फीमेल हो या मेल, ठीक है। अच्छा बात बड़ा बैंक आते हैं कि हम अपने साथ खेल रहे हैं, ठीक है, अपने टाइम को ज़ाया कर रहे हैं, करना ये है कि हमें अपने गोल को इम्पोर्टेंस देना है और एक तड़प अपने अंदर पैदा करनी है। कैसी तड़प? कि जब आपका सर मिसाल के तौर पर सर मदद करो, आपका सर अगर पानी के बॉल में डाल दिया जाए तो क्या करोगे आप, छटपटाओगे ना, वैसी तड़प अपने अंदर पैदा करनी है। जब तक वो तड़प नहीं आएगी कामयाबी नहीं होगी, ठीक है। तो आज से वादा करो जो भी हमने आपके सीखने में लर्निंग में जो किरदार अदा किया है आगे और भी कंटिन्यू करो, कोर्स आप लोग फ्रीलांसिंग है और ग्राफिक डिजाइनिंग कम्प्लीट होगा तो इन चीज़ों के बाद भी आप सब इसको कंटिन्यू रखोगे और इसके एडवांस में भी जाओगे। तो पहला स्टेप है यार, सफर बहुत लंबा है, 12 साल का मेरा सफर है, कुछ भी नहीं है। और भी जो है आई टी रोज एक नया नई जिद्दत आती जा रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अभी से गोल सेट करना है और अपनी करियर पाथ को डिफाइन करना है, चाहे 9th में हो, मैट्रिक हो, 10th में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ये मैटर नहीं करता आई टी की फील्ड में। छोटे छोटे मिलियनर्स और मिलियनर्स पाकिस्तान में मौजूद है, ठीक है, आई टी की बताओ, ठीक है। अभी से अपना गोल सेट करो, जो जिसमें पढ़ रहा है मेडिकल केमिकल इंजीनियरिंग जो जिस फील्ड में भी है, ठीक है, हर फील्ड में आई टी की जरूरत है, ठीक हो गया। चाहे कि कोई अगर आलिम का भी कोर्स कर रहा है तो उसको भी इंटरनेट और लैपटॉप की नीड है, उसको पता होना चाहिए चीज़ें कैसे चलाई जाती है। एक फतवा या एक हदीस सर्च करना है पाकिस्तान सऊदीया इंडिया हमें कहीं से भी जो है उमान या बहरीन किसी ने भी मौलाना ने वो फतवा या वो हदीस जारी की है तो उसे देखना रेफरेंस के तौर पर जरूरी तो है, पता तो होना चाहिए क्या करना है, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये कि आई टी की इंपॉर्टेंस हर फील्ड में मौजूद है, अभी से आप लोग कैरियर बनाओ। और जो बच्चे भी यहाँ से मतलब काउंसलिंग करना चाहते हैं कि सर आगे मैं कौन सा कैरियर बात करूँ, किधर जाऊँ, क्या करूँ, मैंने ये इंजीनियरिंग ले लिया फंस गया या बी कॉम कर लिया आगे क्या रास्ता है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ठीक है, तो उसके लिए भी काउंसलिंग के लिए हम अवेलेबल हैं, ठीक है। डिग्री ज़रूरी है लेकिन डिग्री के साथ साथ स्किल भी ज़रूरी है, ठीक है। तो बाकी सर कंटिन्यू करेंगे, फैमिली जितनी पढ़ाते हैं दो लाख का उसको मैं खत्म करूँगा और वो दो लाख आपने हमेशा सुने भी हैं, जितना आपको मोटिवेट किया आपको जोश किया उसमें से नहीं तेरा नशेमन कसरी सुल्तानी के गुंबद पर कहने वाला कौन है वो भी जानते हैं, अलामा इकबाल जैसे अधीन मुफ्ती, नहीं तेरा नशेमन कसरी सुल्तानी के गुंबद पर तू शाहीन है, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के ऊपर, इसके ऊपर नहीं ठीक है। और एक चीज अली ने भी बड़ी मेहनत की और सर अली ने जो एक मुजस्मा खड़ा किया है वो है एक नए टीचर सर दादा आप सब आपके इवेंट है, इस तरह से पीछे अगर यू खड़े होने चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक ट्रेनर टीचर की विंग है बाजू है हम आपको लेकर हो सकते हैं, अल्लाह ने ये सलाह दी है। दूसरा एक शेर उसके बाद सर अली आएंगे आपके जज्बात को इम्प्रूव करने के, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, सर समझा रहे आप अमल की शुरू करते हैं, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, जब धरती बंजर हो तो बर्दाश्त बरसात से क्या होता है, अमल लाजिम तकमीले तमन्ना के लिए वरना रंगीन खाबों, आप सोचते रहे अपने बारे में ये बन जाओ। सर शकील सुबह 8 बजे से रात 3 बजे तक मेहनत कर रहे होते हैं और हर एक को सर्टिफाई कर रहे होते हैं, आज हम लोग जो जहाँ खड़े हैं हर एक की छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी सी मेहनत है, पहले हम 2 बाजू थे फिर 4 हुए फिर 4 ने 4 को पकड़ा कितने हो गए अभी आप अंदाजा लगाइए मल्टीपल, अब हमने सब ने आपको पकड़ लिया, अगर आप स्टूडेंट को फाइनेंस करेंगे तो हम यहाँ 4 बजे से 8 बजे तक और शेड्यूल पे हर किस्म की क्लास स्टार्ट कर देंगे और हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी इंक्वायरी में जो कोई भी आया जो आके पहले गया बड़ी हैवी इंक्वायरी थी किस पसंदा की सर एज है एक्सपीरियंस है तो अलहमदिल्ला वो भी मुतमिन है
और एक सबसे शरारती बच्चा जिसने आज तक कार्ड नहीं लगाया वो है जैन। एज का फर्क देखें और स्किल देखें, ठीक है, ये सब ये चेहरे हैं जिन्होंने आपकी बात को और जहाँ जहाँ आप आते हैं, ठीक है, ये जगह जो हमारा मकसद ये है बेसिकली कि आईटी के लड़के मार्केट में ठीक है, ये आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, समझ लो है, सेकंड प्रायरिटी हमारी है, ये फर्स्ट लेवल पे हमारी कंपनी है, ठीक है, हम यहाँ सबने बताया सुबह 8 से 3 बजे काम कर रहे होते हैं, फिर आपका पेट नहीं होगा क्लाइंट से फिर भी सुनने को मिलेगा, ठीक है, तो मकसद ये है बताने का कि ये एक आईटी कंपनी है, ठीक है, हम यूएस कनाडा फोटोशॉप में आपको पढ़ा नहीं सकते, टूल समझा सकता हूँ, देखो बेटा ये ऐसे काम करता है, ठीक है, तो आईटी की फील्ड पढ़ाई वाली नहीं, डिग्री नहीं लेते हो, यूनिवर्सिटी कहीं पर भी जा रहे हो, यहाँ पे जॉब के भी बच्चे आते हैं, वहीं से भी बच्चा आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे नासाबाद से भी बच्चा आ रहा है, सिर्फ प्रैक्टिकल ले रहे हैं, मास्टर्स किए हुए लड़के, ठीक है, और बी एस किए इतनी मेहनत की, ये लाफे आपके सामने, ठीक है, लाफे गुजर बीमार से आता था, अभी उन्होंने कहा है फेडरल मेल, ठीक है, इन्होंने आई टी एपटेक से कम्प्लीट किया हुआ, इसके अलावा आप बी एस सी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता किसी भी यूनिवर्सिटी, तो हमारा एम और मकसद यही है कि हम प्रैक्टिकल बच्चों को लेकर जाएं ताकि बच्चे अध्ययन हो सके सीख सके, और एक और बात कि आप फ्रीलांसिंग की जो क्लास होगी इसमें आप सबको उसमें बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना है, वो टीचर हर बार अवेलेबल नहीं होंगे, ऐसा नहीं होती, ये हुनर देने वाली बात है, आपको ना चल पैसों के अपने समझ बंदा अपनी हुनर दे, हुनर कोई नहीं देता, फ्रीलांसिंग को सबने बहुत तरीके से समझना है, कैसे प्रोफाइल बनानी है, कैसे क्लाइंट क्रिएट करना है, उस पर काम करना होगा, ठीक है, चलिए ठीक है, आपने बच्चों को पढ़ाया ना, तो देखिए आप सबने जो एफर्ट की बहुत अच्छा, बहुत अच्छी एफर्ट की, कुछ ने तो सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया और कुछ ने जो है बहुत अच्छा एफर्ट भी किया, ठीक है, अब ये है कि जो कमेंट्स आए फेसबुक के ऊपर, उसने कहा कि फेसबुक यूट्यूब डिफरेंट पोस्ट के ऊपर जो स्टैटिस्टिक्स आपको दिखाते हैं, अच्छा देखिए यहाँ पर ग्रुप जो हमने अभी डिफेंड किया है, जी तो यहाँ पे देखिए ग्रुप जो हमने डिफाइन किया हुआ ग्रुप ए बी सी डी एंड ई एंड एफ, सॉरी तो यहाँ पर देखें ग्रुप ए ने जो हमें लाइक लिया है, कमेंट वगैरह जो दिया है यहाँ पर बेसिकली हमने मर्ज करके लिया हुआ है, यहाँ पर जो है यूट्यूब को भी लिया हुआ है और साथ साथ जो है फेसबुक को भी लिया हुआ है, फेसबुक में जितनी भी हमने शेयरिंग की थी व्हाट्सएप सॉरी व्हाट्सएप कह रहा हूँ ग्रुप में की थी हमने और आगे भी जितनी भी लोगों ने आप लोगों ने शेयर की तमाम को मर्ज करके हमने यहाँ पर काउंट किया है, लाइक को भी किया है और इसे कमेंट को भी किया है, टोटली जो यहाँ पर मिनर जो हमने अनाउंस किया है और हमने विनर को सिलेक्ट किया है वो कमेंट बेस पर किया है, लाइक बेस पर नहीं किया, कमेंट बेस पर, ठीक है, नेक्स्ट कीजिएगा, अच्छा ग्रुप बी ने देखिए यहाँ पर जो है ग्रुप बी ने ये दिया है कि 43 एंड 40, ग्रुप सी उसके बाद है ग्रुप सी दिखाई कर ग्रुप बी में महाफिज है जैन है अब्दुल्ला एंड इब्राहिम, ठीक है, इनकी ये काउंट है और ग्रुप सी की ये काउंट है अफ्ताब शमरेज मुइज एंड आशिश, ग्रुप डी इन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, उन्होंने कोई सबमिट ही नहीं किया कमेंट वगैरह भी फ्रॉम फ्रॉम के नहीं, ग्रुप ई है 24 एंड 8 जिसमें परसेंटा नुशावर एंड दुबा, ठीक है, और ग्रुप एफ जो है 26 एंड 15
शबीन, सादिया और मुन। तो आप थोड़ा चली गया हो तो कौन विनर है? ठीक है, विनर कौन है थोड़ा ये भी दिखा दीजिए। अच्छा हाँ, ये गिफ्ट आप सबके लिए है, लास्ट टाइम भी बताया था आप लोगों को और अभी भी दोबारा भी मैंने सबने किया। ठीक है, बिना चाहे वो कोई भी हो लेकिन मैंने सबने किया और इंशाल्लाह आप भी नेक्स्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो सर पाँच महीने से सुबह 12 बजे के करीब ये यहाँ पहुँचते हैं, जितनी भी दूर से आते रहे बीमार और अंजोरी आज भी रिहाइश होती नहीं है और रात 10 बजे जाते हैं। जिसने टाइम दिया जिस काम में वो उस काम का मालिक होते हैं। आपके जहन में जो काम है आप उसके सर मैं मास्टर्स किया हुआ मैंने कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर से, तो मैं रिसेंटली जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज ए एप्लीकेशन डेवलपर जॉब कर रहा था, लेकिन कुछ टेक्निकली जो है मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो इस वजह से मैं फिर यहाँ पर मैंने शटी डेवलपमेंट में जॉइन किया सी पी टी। मेरी रिहाइश मलिर में जिसकी वजह से बताया। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि देखें सर यहाँ पर यूनिवर्सिटी के कॉलेज के स्कूल स्टूडेंट बैठे हुए हैं और यूनिवर्सिटी में देखें साइंस पढ़ाई लगती है, टेक्नोलॉजी नहीं करेगी सही है। और मार्केट में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी जब काम नहीं आता तो इसी वजह से फिर हमें जॉब गैप के बारे में परेशानी होती है। तो यहाँ पर जो आप आ रहे हैं शकील भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, इसकी वजह यही है कि मैं अपना टाइम निकाल के मैं अभी सीधा जॉब से आता हूँ। हालाँकि मैं बहुत थका हुआ था, मैं नींद पूरी नहीं हुई भी, मैं बीच में प्रोग्राम बना के बाइक मिल के चले जाऊँ, लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं यार जाऊँगा अपना टाइम लगाऊँगा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये चीज़ आप लोगों के जानना चाहिए कि जो आपका जो फ्री टाइम है उसको आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें और यहाँ पर जो आ रहा है यहाँ पर जो आपको लेक्चर डिलीवर हो रहा है उसको आप घर जाके जो अपनी मेहनत उसको जो है ना प्रैक्टिस करें। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी असर नहीं होगा। मतलब लाइक मैथमेटिक्स कि आपने एक दिन पढ़ी दूसरे दिन नहीं पढ़ी आप भूल गए, तो इसी तरह आप सारा गेम लॉजिक का है आपको जो यहाँ सिखाया जा रहा है आप में जाके लाजमी प्रैक्टिस करें तो उसका आपको आउटपुट भी मिलेगा। मैं यही बोलूँगा कि आप लोग एक जगह ये हिम्मत आ देते कि थके हुए थे और गाड़ी मोड़ लेते, फिर उन्होंने क्या फैसला किया यहाँ आने का, यही फैसला आपको हर जगह करना है। बस प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है, बस टाइम हो रहा है ना आप सबके लिए, ये था इंशाल्लाह इससे इसके बाद इससे भी ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, यहाँ पर जो विनर्स है, विनर्स का मतलब है जो ग्रुप ग्रुप भी है ना जी, ग्रुप बी में जितने भी पार्टिसिपेटर है उनको हमने जो है सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया यहाँ पर, ठीक है, एज अ विनर विनर सर्टिफिकेट, ताकि कल वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाए अपने सीवी में भी इम्पैक्ट कर सकते हैं कि हमने ये अचीव किया था, ये सर्टिफिकेट हमारे पास है, ठीक है, तो ये ऐसा उनका प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सर जैन कुदरती तौर पर ये नाम मेरे हाथ में आ गया क्योंकि ये स्पेशल बच्चा महावीर
करेंगे
आप लोगों ने अच्छा काम किया था, ठीक है। जहाँ तक मैंने पढ़ाया था, मैंने उससे अच्छा काम किया। अब मेहनत आपने ये करनी है कि जो आपने सीखा है, जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है, उससे भी और ज़्यादा अच्छा आपने करना है उसको, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 2 से 3 फ्लोर अगर डिज़ाइन कर रहे हैं ना, तो आप ये सोचें कि अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है, लोगो बनाना पढ़ाया है, पोस्टर बनाना या कोई भी चीज़ पढ़ाई, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, आपको उससे ज़्यादा और उसमें मेहनत करनी है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। बाकी कहीं पर भी आप फंसते हैं तो मैं आपके लिए अवेलेबल किसी भी टाइम, कहीं पर भी, यहाँ पर हम होते हैं, ठीक है, आप आएँ, कहीं पर भी फंसते हैं आप आके 100% आपको गाइड करेंगे, जितना आपसे हो सकेगा उतना आपको गाइड करेंगे, ठीक है। बाकी एक बार आगे पर जा रहे हैं, दूसरी बार सुनेंगे और एक बहुत अलिया बजा रहे हैं सर रजा जी। सर रजा ने जो आप लोगों के साथ कॉपरेट किया, जो आप लोगों को टीच किया, इसके लिए सर रजा की